मंगलाचरण श्री माल अर्पण जी धनराज ओम कर वेदिशात्मिकम प्रेमामि नित्यं तत्पार्थ साध ज्ञानमयं सामिति दर्शनकम सम्यक् चरणं चेतन नामामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं पोच्छटितं प्रबोधं नामामि यं केवलिनश्चेतं काया प्रमाणं तं ब्रह्मरूपम् निरंजनं चेतन लक्षणेत्वं भावे अनित्यं ज्ञानरूपं ते शुद्ध दृष्टि सम्यक् वीर्यं बोलिए श्री मालारोहण जी ग्रंथादि राज की जय हो। अनित्यम औदायिक भाव अनित्य है, आत्मा का ज्ञान भाव नित्य है। मंत्र चरण करते हैं। शुक्रवार श्रीमद चिंतारण और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दृष्टा श्री मालारोहण गणराज जी, जहाँ अपन दो गाथाओं का संक्षेप में रिवीजन करके गाथा नंबर 17 पर जाएंगे और जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब भी देते हैं गाथा के साथ साथ। चलिए पहले अपन दो गाथाओं का रिवीजन करें। गाथा नंबर 14 में तो आचार्य भगवान ने कहा था कि 25 मल दोषों से जो मुक्त है वो ज्ञानी है और वो ज्ञानी ही इस संसार परिभ्रमण कर्म मल के जंजाल से मुक्त हो। वो ज्ञानी क्या अनुभव कर रहा है वास्तव में? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो गाथा नंबर 15 में उन्होंने कहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धा, जहां जीव के सर्वांग प्रदेशों में या उसके उपयोग में एकमात्र अपने निराकार परम ब्रह्म रूपी तत्व परमात्मा जिसे कहते हैं शुद्धम प्रकाशम, उस तत्व का जहां प्रकाश होता है शुद्धात्म तत्व, उस शुद्ध आत्मा की निर्विकल अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। वही ज्ञानी का काम है। ज्ञानी क्या करता है? समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त होकर उस अनुभव को अंतर में साधता है, उस निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व की स्वानुभूति को अंतर में प्रकट करता है। रत्नात्रयम् लंकृत विश्वरूप, विशेष स्वरूप को रत्नात्रय में जो स्वभाव है उसकी आराधना में नित्य संलग्न रहता है। और देखो तो तत्त्वार्थ साधनम् बहुभक्ति चित्त, बहुत भक्ति और बहुमान से मोक्ष मार्ग की साधना में संलग्न रहता है। कल रात में नहीं आए, जो कल छोड़ा कभी नहीं मिले। क्या कह रहा है कि वो अपने प्रयोजनी तत्व की बहुत भक्ति और बहुत बहुमान से उसकी आनंद की दशा में अपने अंतर में मतमस्त रहता है, मोक्ष मार्ग में हताश नहीं रहता। उदासी का नाम उदासीन आश्रम का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। बाहर से उदासीन दिखता है, संसारी जीव जिसमें प्रोत्साहित दिखते हैं वो वहां उदासीन दिखता है,
अंतर में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला साधक रत्नाते से अलंकृत अपने विशेष स्वरूप को देखता है, जानता है, उसे प्रयोजनी मानता है, उसकी साधना करता है। कैसे? बहुत भक्ति और भगवान से युक्त। एक और गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी, जय धर्म लीन। भैया उस धर्म में लीनता अर्थात वस्तु स्वभाव की रमणता क्या है? वास्तव में धर्म धर्म में लीन किसे कहोगे आप? देखो गुरु माने क्या कहा, जय धर्म लीन गुण चैतन्य। जो चैतन्यता में अपने स्वभाव को जान रहे, जो ज्ञान दर्शन उपयोग से अपने ही स्वभाव में लीन है, ते दुखहीना। या उन्हें संसार में जो दुख है आशक्ति घटने से, कसायों का अभाव होने से, मिथ्यात आदि का अभाव होने से, उन्हें वो संसार में जो दुख है वो हीन है। देखो तो आत्मज्ञान ही दुख मोचन है। और गुरु महाराज कह रहे हैं जो अपने चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव में अर्थात अपने आत्मा के अनुभव में लीन है, वो ही दुखों से हीन है। संसार में रहते हुए, नरकों में रहते हुए भी वो सुखी है। उनके दुख सम्यक दर्शन रूपी क्या कहते हैं, या आत्मज्ञान रूपी जो मोचन है, दुख मोचन है, उस ज्ञान ने उनके दुखों को भर लिया है। किनके दुखों को हर लिया है? जिन शुद्ध दृष्टि, जिन्हें अपने अंतर आत्मा की शुद्ध दृष्टि पर कर, उनके दुखों को हर लिया है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, संतोषितत्वं सुज्ञान रूप। क्या दिखाई दे रहा है उसे? यदि व्यवहार से कहोगे आप तो संपूर्ण विश्व के तत्व उसके ज्ञान का विषय है, सम्यक ज्ञान में झलक रहा है। और निश्चय से कहोगे तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो संपूर्ण तत्व है, जिसे आप केवली पुरुष कहते हो, वह उसका स्वयं का ज्ञान में स्वरूप है, वो उसकी दृष्टि में झलक रहा है। व्रजन्ति मोक्षां क्षण में, ऐसे जो अपने संपूर्ण तत्व स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, व्रजन्ति वे मोक्ष जाएंगे। कितनी देर में? क्षण में, एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये सब गुरु महाराज ने इन दो गाथाओं में कहा है, जिसका वांछन अपन रात्रि में कर चुके हैं। बहुत आनंद में वांछन था, जो चूक गए उनके लिए उपदेश है। यूट्यूब पे बढ़िया 1.5 घंटे का वांछन है, अच्छे से मन लगा के सुन, आनंद की अनुभूति का लाभ होगा। चलिए अपन चलते हैं गाथा नंबर 18 की ओर। अब जब गुरुदेव इतनी नहीं गाथा नंबर 17 की ओर, जब गुरुदेव इतनी अभूतपूर्व अनुभूतियों कह के आगे आ रहे हैं, निर्विकल्प दशा को कह रहे हैं, चैतन्यता में लीनता को कह रहा है, जब आचार्य भगवान इतनी अभूतपूर्व अनुभूति को कह रहे हैं, इतना गहरा अंतर रमणता का मार्ग बता रहे हैं, तो भैया अब यहाँ सहकार राग की बात चल रही थी, तो हमारे बापू जी का प्रश्न आया था कि सहकार राग में आचार्य तारण स्वामी ने संगति का राग कहा। भैया संगति तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, सत्पुरुषों की भी होती है और दुर्जनों की भी होती है, तो ये राग कैसे कहलाया? देखो भैया, अज्ञानियों की संगति, दुर्जनों की संगति अशुभ राग कहलाए, ज्ञानी पुरुषों की संगति, शुभ राग करना, उनके साथ रहना, ये शुभ राग कहलाए। उनके उनके साथ रहोगे आप, मंत्र जप करोगे, सामायिक करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, उनसे जो आपका राग है वो शुभ राग है। इस भूमिका में ये शुभ राग होता है। और यदि आप घर गृहस्थी में रहोगे, पुत्र परिवार के बीच में रहोगे, अरे दुर्जनों के साथ रहोगे, तो पाप करने के भाव आएंगे, संसार को बढ़ाने के भाव आएंगे, वो अशुभ राग है। अशुभ राग दुर्गति का कारण बनेगा। ज्ञानियों के साथ, सत्संग के साथ में रहने का जो राग है शुभ राग, वो स्वर्ग आदि सद्गति का कारण बनेगा। लेकिन ये दोनों कारण ही संसार है। इनके साथ रहते रहते इसको भी, इस राग को भी छोड़ो, ज्ञानियों के साथ रहने का राग भी छोड़ो और अंतर आत्मा में जाते रहो, तो ये सम्यक चरित्र की प्रकटता हो जाएगी और सहकार राग भी छूट जाएगा। वीतरागी साधु होंगे तब सहकार राग शुभ वाला छूटेगा।
आवृत सम्यक दृष्टि सच्चे हो जाएंगे तो सहकार राग अशुभ फल छूटे। ऐसा ही अपन धीरे धीरे जब साधना करते करते गुरु महाराज के वचनों को समझते समझते जब आगे बढ़ेंगे इस राग की हीनता होगी। और ऊपर वाली गाथा में कहा है ना, ते दुखहीना, दुखहीन होंगे कब, जिन शुद्ध दृष्टि, जब दृष्टि अपने अंतर आत्मा पे अपने ज्ञान में दिव, जब अपना चेतन स्वभाव है जिसे सत्यम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व कहा है, जिसे विशेष स्वरूप कहा है, रत्नात्रय में विशेष स्वरूप यानी के दृष्टि में आता है, जब अपने को वो परमात्मा अपनी अनुभूति में दिखाई देगा तो गुरु महाराज कह रहा है ऐसे स्व आत्म तत्व को ज्ञान में जानने वाले एक क्षण में मोक्ष चल जाए। मुक्ति तो अपन ने कल चार मोक्ष की बात करी थी, दृष्टि मोक्ष, शुद्ध उपयोग रूप मोक्ष और एक भाव मोक्ष और एक द्रव मोक्ष। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं गाथा नंबर 17 की, बड़े बहुमान से अपन पढ़ेंगे, अपन वांछन चल करेंगे। आप चलिए, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्ध माला गुणम कंठ हृदय विरुदितम तत्वात् साधम चक्रोति नित्यम संसार मुक्तम शिव शोक बीजम। बहुत अद्भुत विषय भाई। अब गुरु महाराज और ऊपर उछल रहे, बात दिख गई कि नहीं दिखी, दिख गई ना, तो अब गुरु महाराज हमें और ऊपर ले जा रहे हैं। देख तो रही है तुमने, अब पता लग गई कि हमरी है, कोई और की नहीं है, अपनी है ना, तुमरी आत्मा और कोई की तो नहीं है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, सार्वजनिक तो नहीं है, अपनी आत्मा का अनुभव हम ही कर रहे हैं ना। हम अपने ज्ञान दर्शन से इस संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। हम अपने ज्ञान और दर्शन के प्रताप से, अपनी अंतर चेतना के बल से हमें ये सारा मजमा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। जो कुछ भी है वो हमारा ही है ना, दूसरे का तो नहीं, अपना ही है कि नहीं। अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जय शुद्ध दृष्टि, देखो देखो, जिसकी दृष्टि ऐसे शुद्ध स्वभाव पर चली गई, इसने इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी, इन राग आदि विकारी परिणाम के बीच में रहते हुए भी, इस घर गृहस्थी पुत्र परिवार इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी, इन शुभ अशुभ राग के बीच में रहते हुए भी, जिसने जिस उपयोग ने इस राग के साथ रहते हुए भी राग का संग छोड़ दिया, जिस उपयोग ने जिस ज्ञान ने इस राग आदि संयोगी पर्याय के संग रहते हुए भी इस राग आदि संयोगी पर्याय का संग छोड़ दिया, राग छोड़ दिया और क्या क्या ग्रहण कर लिया, जिस दृष्टि सम्यक, उसने क्या ग्रहण कर लिया, शुद्ध सम्यक क्या है, अपना त्रकाली स्वभाव, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, जो शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, जिस दृष्टि ने ग्रहण कर लिया, क्या ग्रहण कर लिया, जो आचार्य भगवंतों ने पूर्व गाथाओं में शुद्ध सम्यक का स्वरूप कहा था, अरे वो अनादि निरन ज्ञायक तत्व, वो 75 गुण में माला, वो प्रतिमाएं, वो मूल गुण, ये सारा जितना भी वैभव है ये वैभव तो मेरी अपनी अंतर चेतना का वैभव, स्वीकार किया कि नहीं किया, नहीं किया। यदि आपने इन गुणों को अपने अंतर में स्वीकार किया तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, तस् गुण माला गुथस बीजम, तुमने पुरुषार्थ पूर्वक इन गुणों की माला को गूथा, तो कहां गूथा, कहां गूथा, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि में अब राग आदि विकार नहीं रहा, राग आदि विकार कर्म संयोग में रहा, दृष्टि में नहीं रहा, याद रखना ये बहुत बड़ा भेद है। तो हम आपको एक बहुत अच्छी बात समझाते हैं, शायद आपको ये बात समझने के लिए ये काम में आए, बहुत हाई लेवल की बात है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अपन राग आदि विकार संयोग में रहा,
लेकिन दृष्टि में नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता। देखो आपने सराग सम्यक दर्शन सुना है कि नहीं सुना? तो क्या सम्यक दर्शन सराग होता है? क्या सम्यक दर्शन में राग होता है? क्या आपने सराग सम्यक दर्शन सुना है कि नहीं सुना? क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है वो सराग सम्यक दर्शन, और जो क्या कहते हैं छायक सम्यक दर्शन होता है वो वीतराग सम्यक दर्शन। तो अभी और आप आपको हमें अभी यदि सम्यक दर्शन हो जाए और हमें क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाए तो हमारी भूमिका में चारित्र मोहिनी की तीन चौकड़ी कसाय जो है उनके निमित्त से जो राग आदि परिणाम होंगे होंगे कि नहीं होंगे, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो चलमल अगाढ़ दोष भी लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो जो चलमल अगाढ़ दोष लगेंगे राग की बहुलता से, राग की तीव्रता से जो वो दोष लगेंगे वो दोष कहलाते हैं राग। राग है, अभी राग भाव है, राग के कारण से ये कर्म रूप सारी दशा में परिणाम चल रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन भी तो लगा आगे, सराग तो है लेकिन उसके आगे सम्यक दर्शन भी तो लिखा, तो क्या सम्यक दर्शन में राग है? नहीं, श्रद्धान में तो यही बरत रहा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, ये राग आदि की पर्याय मेरी दशा नहीं है। अंतर में पुरुषार्थ तो शुद्धम प्रकाशम श्रद्धात्मितत्वम समस्त शंकर विकल्प। अंतर में तो वही सर्वांग सर्व आत्म प्रदेशों में वही शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा जो पूर्ण प्रकाशवान सत्ता है उसका ही प्रकाश रोम रोम में झलक रहा है। जहां संकल्प विकल्प अंतर दृष्टि में नहीं है, संकल्प विकल्प बाहर संयोगी पर्याय में है, निर्विकल्प अनुभव की दशा में या उपशम सम्यक दर्शन की दशा में तो वो राग रहित ही अनुभव में आता है। लेकिन तत्व श्रद्धान अंतर मुहूर्त निकलने के बाद उपशम सम्यक दर्शन छूटने के बाद तत्व श्रद्धान में रहता है, उपयोग थोड़ा थोड़ा तीन चौकड़ी कसाय के उदय रूप जितना राग है उसमें भी जुड़ता है, लेकिन मान्यता से विकृत नहीं होता। मान्यता यही रखता है मैं तो इसे कहते साधना नहीं है, सॉरी आएगी नहीं, इसे कहते हैं साधना कि अब उसने अपनी परमात्म परम ब्रह्म तत्व को, अपन ने कल रात में देखा था कि नहीं, कि उसने अपनी परमात्म सत्ता को उसको अपने अनुभव में प्रग्रहण कर लिया है, उसने उस वीतराग सत्ता को अपने स्वानुभव में ग्रहण कर लिया है, उसने उस परम प्रकाश को स्वीकार कर लिया है। अनुभव हुआ या नहीं हुआ उनके लिए भी कहा था, अनुभव हुआ या नहीं हुआ जिन उक्त दृष्टि जैसा जिनेन्द्र ने देखा है वैसे ही सत्य है, ऐसी दृढ़ मानता को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, धारणा में ले लिया है। अब जिसने ऐसी धारणा में ले लिया है उसके संयोग में राग आदि परिणमन चल रहा। अब राग आदि परिणमन चलने से राग पर्याय में दिखाई दे रहा, और तत्व का श्रद्धान होने से, तत्व की मानता होने से सम्यक दर्शनी पर्याय में दिखाई दे रहा। एक साथ दो पर्याय कौन कौन से? आगे आके बैठो खंबे के तरफ। तो एक साथ दो पर्याय दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? वो राग की जो बहुलता है, राग की जो बहुलता है वो तीव्र राग की पर्याय भी काय को दिखाई दे रही, राग की पर्याय भैया अब संयोगी भूमिका है कि नहीं? साधु तो नहीं हुए, ग्रस्त भूमिका में अभी जितने कर्म संयोग बचे हैं उस अनुसार घर पुत्र परिवार में राग की धारा तो चले, लेकिन उस धारा से मेरी धारणा का या उस धारा से मेरी दृष्टि का कोई संबंध ही नहीं है, इसका नाम है
जे शुद्ध दृष्टि, जितने समय वो दृष्टि उस राग से अपना संबंध तोड़ के सम्यक शुद्धम अपने त्रिकाली परमात्मा के पास जाती कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ और मेरे अंतर में अनंतानंद चतुष्टय का प्रकाश वर्त रहा है। शुद्ध सम्यक मतलब अपने शाश्वत त्रिकाल ध्रुव सत्ता, जितने समय के लिए अपने स्व अस्तित्व को, अपनी वीतराग तत्व को स्वीकार करती है, बहुभक्ति युक्तम, बहुत भक्ति और बहुमान से अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को जहां जीव स्वीकार करता है, व्रजन्ति मोक्षम क्षणे एव। दृष्टि मोक्ष तो उसे उसी समय हो जाती, दृष्टि तो मुक्त हो जाती है, कैसे दृष्टि मुक्त हो जाती, कैसे? पर से राग विकार, राग रहते हुए भी दृष्टि राग से कितनी गजब की दशा है। जल में भिन्न कमल की तरह कितनी गजब की दशा है ना, रहते हुए भी नहीं रहता, एक ही नहीं गजब की दशा कि होते हुए भी वो अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम। जीव की जो श्रद्धा है, जीव की जो आस्था है, जीव की जो मानता है, जीव का जो ज्ञान है, जीव का जो स्वयं का बल है, पुरुषार्थ है, वो अपना काम कर रहा है। और भैया चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से जितनी आशक्ति बची है या जितने कर्म के उदय आ रहे हैं, वो कर्म रूप प्रणमन अपना काम कर रहा है और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। इसका नाम ही आवृत, आवृत, आवृत सम्यक दृष्टि। ये अभी व्रत नहीं है, दोनों अपना अपना काम कर रहा है, कर्म अपना काम कर रहा है और उसका श्रद्धान अपना काम कर रहा है, इसका ही नाम है आवृत सम्यक दृष्टि और इसी का नाम है कर्म धारा और ज्ञान धारा, दोनों चल रहे हैं। जब ये दोनों प्रकट हो जाए, जब समय दृष्टि मान, इसी को सारा समय दर्शन के अपने को इसी भूमिका में जयी हो सकता है। अब केवली को पादमूल नहीं है, चाहे होने से रहो, अपने को इस भूमिका में यही हो सकता है। अब केवली भगवान का पादमूल नहीं है, चाहे समय दर्शन तो होना ही नहीं। तो अब तारण तारण स्वामी जी जैसे कोई बिरले पुरुष होते जो भगवान महावीर के समोचरण में उसकी छपना प्रारंभ कर देते और वहां से सीधी एक पर्याय बदल के यहाँ आके कर लेते, तो वो बिरले पुरुष होते तो बात अलग थी। अब अपन इतने अपने लक्षण से अपने को लगता तो नहीं कि अपन इतने अच्छे हो, तो उनके तो बचपन से ही लक्षण दिख रहे थे कि वो वहां से लेके आ गए, वो वहां से लेके आ गए थे भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने हृदय में समेट के वो वहां से ले आए थे। लेकिन अपन के लक्षण ऐसे नहीं दिख रहा है कि अपन छाये समय दर्शन के संस्कार वहां से लेके आ गए, छपना प्रारंभ करा है, अपने नहीं दिख रहा है। तो अपने अभी वो संस्कार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, छाये समय दर्शन होने की योग्यता नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, छोपसम संबंध तो हो सकता है, उपसम तो हो सकता है, एक पल के लिए शुद्धम प्रकाशम श्रद्धा, एक पल के लिए छू सकते हो कि नहीं छू सकते? हाँ, अरे एक पल के लिए, एक बार भी। अब इसकी विस्तार से चर्चा कल रात में डेढ़ घंटे सिर्फ यही चर्चा करते हैं। यदि एक क्षण के लिए उसे स्पर्श कर लोगे, हे जीवात्मा, एक पल के लिए यदि उसको स्पर्श कर लोगे, एक पल के लिए यदि उसे छू लोगे, ये निर्धारित हो जाएगा ये जीव निर्वाण जाए बिना रहने वाला। एक बार जो निश्चय मिलन कर लेता है, वो उससे विपरीत भी भगे तो भी वो सम्यक दर्शन से निर्वाण ले जाए बिना छोड़ने वाला। एक समय के सुख की इतनी गारंटी है, एक समय तूने अपना सुख भोग लिया, अब पक्की हो गई शादी, पक्की हो गई निकाह होगा, कहना काय की पक्की हो गई। एक बार जिस परिणति ने अपने ज्ञायक स्वरूप दूल्हे को ब्याह लिया, अब उसकी पक्की हो गई कि अब वो परिणति अनंत काल के लिए अपने ध्रुव स्वभाव में जाकर लीन हो जाएगी, अब वो इस संसार में ज्यादा देर रहने वाली। एक बार कर लो तो कर, तो चेंज नहीं होए, सती है परिणति, ज्ञायक परिणति। एक बार उसने अपने ध्रुव को वर्ण कर लिया, कर लिया, अब वो नहीं छोड़ रही, भाई क्या करने, अरे ये कहो ना कितना बहुमान आता है,
जो वास्तव में ऐसे स्वभाव को शुद्ध दृष्टि से अपने अंतर में शुद्ध सम्यक रूप सत्ता रूप देख रहे हैं उनकी बात है। उनके अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या आनंद आ रहा है। माला गुणम कंठ हृदय रुदितम, अब वो माला उनके हृदय कंठ में रुलती हुई मतलब झूलती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी माला दिखाई दे रही है, उपज रत्नत्रय की 75 गुणों की प्रतिमाओं की, क्या कहते हैं व्रतों की तप की दान की मूल गुणों की जो उन्होंने माला ऊपर कही थी, वो पूरी पूरी माला पूरी की पूरी माला उस भव्य आत्मा को अपने हृदय और कंठ के बीच में झूलती हुई दिखाई। हृदय और कंठ मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान कंठ कमल आसन है और श्रुत ज्ञान हृदय है, और उस भव्य चित्त को मति शुद्ध ज्ञान के बल से मति शुद्ध ज्ञान की ज्योति में ये रत्नत्रय रूपी मालिका अपने हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखाई दे रही है, प्रतीतिमान हो रही है कि जो सुख भगवंतों में था, जो वैभव भगवंतों में देखा था, जिस वैभव को तारक स्वामी ने आचार्य भगवंत ने 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर की गाथा में कहा था, वो अनंत रत्नत्रय का वैभव उसे अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ दिखाई भगवान जी। कल तक तो मिलन हुआ था, आज तो माला ही झूल गई पूरी की पूरी। कल तक तो उस दिव्य चेतना से, उस शुद्ध प्रकाशमान चेतना से मिलन हुआ था, कल तो संप्रोषित वो संपूर्ण तत्व ज्ञान रूप जानने में आया था, उसका अनुभव हुआ था। आज तो गुरुवाच कह रहे हैं जिसका अनुभव हुआ था, जिस परम सत्ता को संप्रोषी जिस तत्व को अपने ज्ञान रूप अनुभव किया था, ये लगे अब तो वो तत्व ज्ञान उपयोग में, जैसे अपन धागे में पूरी एक मोती को प्रो लेते ना, अब वे अनंत गुण ज्ञान उपयोग रूपी धागे में पूरे गुद गए हैं, और अब उठते बैठते चलते फिरते मति शुद्ध ज्ञान के सहकार में, या आप सरल भाषा में कहें मति शुद्ध ज्ञान के चिंतन में, ये लग वो रत्नत्रय का वैभव ही झूल रहा है, झूला झूल रहा है, लगे आएगा झूला झूल रहा है। मति ज्ञान में धारणा हो गई है कि मैं ध्रुव हूं, और शुद्ध ज्ञान में उसकी सुरत आ रही है, कभी निर्णय करते हैं दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, और कभी उसके विस्तार रूप चिंतन करते कि अनंत ज्ञान में हो, अनंत सुखमय हो, अनंत वीरमय हो, उसी की सुरति में मति पूर्वक सुरति में उसी का झूला झूल रहा है, रत्नत्रय के गुण झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है, चेतन लल्ला ज्ञान के पल्ला में झूल रहा है। कौन से लल्ला, कौन से पल्ला में झूल रहा है, कहां झूल रहा है, हृदय कंठ। ऐसे देखो भैया, आप कितने अच्छे अच्छे हार कोई पहन क्या हो गई, आप चेन में नहीं पहन क्या हो गई, सब बिना चेन वाले आप कहा भैया, प्रवचन सुनते सुनते चेन छोड़ पहनना छोड़ देगी। अरे जैसे आपकी मोटी मोटी सोने की चेन आपके कंठ और हृदय के बीच में झूलत है, तो एक अहम की अनुभूति होती है कि मैं लखपति मैं करोड़पति, ऐसे ज्ञानी के मति शुद्ध ज्ञान के बीचों बीच अनंत दर्शन ज्ञान सुधवीर में देव के गुरु के शास्त्र के सिद्धों के धर्म के दर्शन के ज्ञान के चारित्र के 11 प्रतिमाओं के व्रत के तप के दान के मूल गुणों के सारे गुण उस ज्ञानी के, जैसे अपने गले में वो माला माला झूलती रहती ना, अपने को स्वाभिमान बना रहता है, अहम बना रहता कि देखो मैं लखपति मैं करोड़पति, 10 तोला की चेन पड़ी हुई है गले में, एक बना रहता कि मान। ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में वो अनंत गुणों की माला वो झूलती रहती है, उसे उठते बिट्टे बहुमान बना रहता है मेरे सिद्ध के समान, उसे हताशा क्यों नहीं आती, उसे निराशा क्यों नहीं आती, उसे दीनता क्यों नहीं आती,
क्योंकि उसके अंतर में जो गौरव बना रहता है, उसके अंतर में जो बहुमान बना रहता है, उसके अंतर में जो विश्वास बना रहता है कि मैं वो ध्रुव ही हूँ, तो परम आनंद स्वरूप परमात्मा ही मैं हूँ, उसके अंतर में जो गौरव रहता है ना, उस गौरव के कारण उसे कहीं किसी का प्रभाव पड़ता ही नहीं। कोई कछु भी कह जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी फायदा हो जाए, उसे कछु फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपना मान अपमान इन बाहर की वस्तुओं से नहीं, वो अपने ध्रुव के स्वाभिमान में तिष्ठा देता है। मैं सिद्ध भगवान के समान हूँ, ये सड़े घुसे लोग, ये सड़े घुसे कर्म धाराएं मुझे क्या सम्मान करेंगी, मेरा सम्मान तो ध्रुव लोग, भगवान तो मेरा सम्मान करते हैं, ठीक है नहीं? क्या कह रहे हो, कल रात में आए थे, क्या कह रहे हैं हम? हाँ, नहीं मिलेगी, सुन लो रे, क्या सुन ले? जैसु दृष्टि सम्यक् दिशतम् मालागणं कण्ठ हृदयं विरुद्धम्। अरे हृदय में, यही हृदय में मति और श्रुत ज्ञान के बीच में, यही कंठ और कमल के बीच में, कंठ कमल और हृदय के बीच में, यही झूलती हुई रुलती हुई वो अनंत गुण की माला मिलेगी। वो ऊपर जो अपने गुण पड़े थे, उस शुद्ध तत्व के प्रकाश रूप रत्नत्रय से अलंकृत, जो भव भक्ति और बहुमान से जिससे संयुक्त रहने तारंतरण देव ने कहा था, वो रत्नत्रय की माला, अरे देखो तो यही मति शुद्ध ज्ञान के झूलने में झूलती हुई मिलेगी भैया, यही रुलती हुई मिलेगी। अरे गुरु महाराज देखो तो क्या कह रहा है, यही तुम ज्ञानी हो, ए जीवात्मा सुनो तो, यही तुम ज्ञानी हो तो क्या करो, देखो ध्यान से, तत्वार्थ सार्धम चक करोति। तुम क्या साध रहे हो, घर को, परिवार को, गृहस्थी को? अरे कुछ नहीं मिलेगा, इतने समय से साधक क्या मिला, अनंत जन्मों से साधक क्या मिला, अनंत अनंत काल से तुमने इन सब संयोगों को साधने की कोशिश कर ली, क्या मिला संसार में जन्म मरण के अलावा, कुछ मिला नहीं मिला ना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब तो ये रत्नत्रय की माला अपने हृदय कंठ में झूलने लगी, अब तो अपनी दिव्य दृष्टि में उस शुद्ध सम्यक शुद्ध तत्व का शुद्धात्म तत्व का प्रकाश दिखने लगा, रत्नत्रय से अलंकृत जे धर्मीना गुण चैतन्यत्वम, तो चैतन्य में आत्मा अब तो दृष्टि में झलकने लगा है, झलकने लगा ना। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अब तो इस मोक्ष मार्ग का सच्चा श्रद्धान करो, अर्थात अब तो शुद्ध तत्व का प्रयोजनी तत्व का सच्चा श्रद्धान करो, या ऐसा करें अब तो मोक्ष मार्ग की साधना करो, अब तो तत्वों के श्रद्धान को साधो, चा और करो नित्यम। सुनो कब कब, मंदिर में बैठे रहे तब भर माने कि मैं आत्मा हूं, और घर चले जाए तो क्या माने कि मैं शरीर। सात तत्वों का श्रद्धान, प्रयोजनी तत्व का श्रद्धान, मंदिर में बैठे रहे तो कर ले, और घर चले जाए भूल जाए। अरे जिनकी दृष्टि शुद्ध हुई है, जिन्होंने अपने अंतर में उस रत्नत्रय की माला को मति शुद्ध ज्ञान के झूलने में चेतन लल्ला को झूलते हुए देखा है, उनके लिए क्या कह रहा है, अरे सावधान, क्या कह रहा है उनके लिए, ए जीवात्मा सावधान सावधान, अब एक समय भी फालतू व्यतीत करने के लिए, यदि तुम साधक हो तो, यदि ये मानते हो हमारे गुरु तारण स्वामी, हमारे गुरुदेव ने हमें सहज मोक्ष का मार्ग दिया है, और अब हमें वो अज्ञानता नहीं रही, अब गुरु महाराज की वाणी सुनते सुनते, गुरुदेव का ये उपदेश सुनते सुनते, अब हमारे अंतर में वो अनंत गुणों का जो प्रकाश है वो मेरे अंतर में है,
ऐसी स्वीकारता का, ऐसी सच्ची श्रद्धा का प्रकाश हो गया है। यदि ऐसा मानते हो तो गर्भ गुरु महाराज की बात मानो। यदि ऐसा मानते हो अनादि काल से भूले थे, भटके थे, अनादि काल से संसार में भूले थे और भटके, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो परमात्म तत्व अपने अंतर में स्वीकारता रूप दृष्टि में दिखाई देने लगा कि नहीं। अब मानो गुरु महाराज की बात, क्या अरे तुम ऐसा कह रहे हो तो इस प्रकार से प्रयोजनी तत्व की साधना करो, इसी को अपनी दृष्टि में साधो, इसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये मोक्ष मार्ग ही तुम्हें निराकुलता दे सकता है, ये मोक्ष मार्ग मुक्ति तो देता ही है, लेकिन वर्तमान में सुख शांति और आनंद भी इस मोक्ष मार्ग के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यदि तुम इस सत्य को जानते हो तो क्या करो, तत्वार्थ साधम चक करो दी नित्य, मोक्ष मार्ग की साधना करो, चाहे रोटी बनाओ तो भी मोक्ष मार्ग की साधना करो, चाहे कपड़े धो तो मोक्ष मार्ग की साधना करो, चाहे दुकान चलाओ तो मोक्ष मार्ग की साधना करो। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? ऐसे करो, संयोग में कुछ भी चले, कर्म धारा में कुछ भी चले, लेकिन मान्यता में दृष्टि में तो एक शुद्ध तत्व के अलावा और किसी दूसरे पर स्थान नहीं है। तत्वार्थे सार्धं च करोति नित्यम्। तो गुरु महाराज ऐसे तत्वार्थ की साधना नित्य करेंगे तो क्या मिलेगा, संसार मोक्षम शिव शोक विजयम्। क्या होगा, तुम इस संसार से मुक्ति पाने रूप शिव सुख, जो मोक्ष मार्ग का सुख है, जो शिव सुख है, वीरजम उसका प्रसार या उसका अंकुरण, उसका विजयोपण हो जाएगा। तुम निरंतर इस तत्व का सच्चा सिद्धांत रखोगे, तत्व के सिद्धांत को रख के यानी अपने हृदय कंठ में इन गुणों की माला को, अपने चैतन्य प्रकाशमान स्वभाव को यदि झूलता हुआ देखोगे तो क्या होगा, इस चैतन्य प्रकाशमान स्वभाव को जब नित्य अपने में करोगे, करना पड़ेगा पुरुषार्थ, जब धारण करोगे, क्या करोगे, जब इस सिद्धांत को अपने अंतर में धारण करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो गुरु महाराज कहते हैं जब नित्य इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करोगे तो संसार से मुक्त हो जाओ, संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, शिव सुख विजयम्। और जो मुक्ति श्री का शाश्वत सुख है, काय का शाश्वत सुख, तो फिर जो मुक्ति श्री का जो शाश्वत सुख है वो तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा, और तुम इस संसार के सारे कर्म बंध से छूट। अरे अब तो कह दो भगवान जी का, जोर से बोलो, अकेले आवाज अच्छी जोर से, इतनी धीरे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को सुनना ही नहीं है, हमें नहीं सुनना, अब जोर से बोलो, यदि वास्तव में यदि आपके हृदय में ये भावना आई कि तत्वार्थ साधन चा, कि वास्तव में वो तत्व की साधना नित्य करना, वास्तव में ये आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा सबका रास्ता, वास्तव में कल रात में भी हमने कहा था जब शुद्धम प्रकाशम की चर्चा करी थी,
यदि आपको ये बात पकड़ में आ गई, यदि आपके अंदर में लगन लग गई, इस प्रकाशमान सत्ता के अलावा और कुछ प्रयोजन है ही नहीं, तो आप रुक नहीं पाओगे घर में और किसी काम में। ऐसे अभी फिर कह रहे हैं, यदि आपको यदि ये बात अंदर में अनुभव में आ गई कि तत्वार्थ साधन मोक्ष मार्ग की साधना के अलावा तत्व के श्रद्धान के अलावा और कोई दूसरा सुख का रास्ता है ही नहीं, करोति नित्यम, तो आपको इस मार्ग में इस पुरुषार्थ को नित्य करने से कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि वो अंतर की चीज है। अंतर में वो श्रद्धान, अंतर में वो बल अपने अंतर में बना ही रहेगा, और उस आत्मबल पूर्वक, उस तत्व के श्रद्धान पूर्वक ये भव जीव संसार मुक्त, यह संसार से छूटने का उपाय, दुखों से छूटने का उपाय, अनंत पीड़ा से छूटने का उपाय, यह वह भव जीव संसार मुक्त, संसार से मुक्त हो जाएगा। और शिव सुख बीजम क्या कर लेगा, शिव सुख को मुक्ति श्री के शाश्वत सुख को अपने अंदर में, जो मुक्ति का जो शाश्वत वैभव है ना, उस वैभव को स्वानुभूति में प्राप्त कर लेगा और आनंद परमानंद हो जाएगा। भय शल्य शंकाएं सब नष्ट हो जाएंगी और आनंद अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इसको जय शुद्ध दृष्टि या अपने को यदि परमात्म सत्ता स्वीकार हो रही है तो अपने चले आगे। एक गाथा बोल लेंगे बस। देखो गुरु महाराज से पूछा होगा, भव जी बहुत जिज्ञासु होते हैं, आपके अंदर प्रश्न नहीं उठते, लेकिन गुरु महाराज के समक्ष प्रश्न उठते थे। भव जी को जब गुरु तारण देव उपदेश देते थे तो भव जीवों के अंदर जिज्ञासा जागृत होती। भव जी कहने लगे, गुरु महाराज से कहने लगे होंगे, गुरु महाराज आपने खेत दिया कि मुक्ति का सुख मिल जाए, शिव सुख मिल जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, संसार से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा, आपने कितने प्रेम से कह दिया कि तत्वार्थ की साधना नित्य करो, कितने अच्छे से कह दिया आपने। लेकिन गुरु महाराज कैसे कहे, कछु ताकत माकत नहीं दिख रही, करे कैसे, दम मम तो दिखाई नहीं रही, शरीर भी पंचर है कि नहीं, जरा से ना ध्यान करने दे, ना समय करने दे, ना बैठने दे, ना उठने दे, शरीर भी पंचर, मन भी पंचर, स्वाध्याय करने में लगाती है कि नहीं, कि ना सारे पंचर संयोग तो है, कि ना घर गृहस्थी में देखो तो सब पंचर ही मिले, किसी को आत्म की रुचि नहीं है, तो उनसे चर्चा कर लो, या कोई हमें इस मार्ग में प्रोत्साहित कर दे, सारे संयोग पंचर मिले, क्या करें, देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, गुरु महाराज क्या बोल बैठे, आप तारण स्वामी की महिमा देखो, तारण तरण देव कहां से विचार करते, उनके अंदर में क्या जागता है, देखो उन्होंने कहा, अरे संयोग चाहे कैसे भी हो, संयोग का तो वियोग निश्चित है, कर्म धारा कैसे भी हो उसका तो परिणाम निश्चित है, लेकिन जीवात्मा पढ़ो एक साथ संक्षेपितम तुम गुणे अनंतम रत्नात्रयम् लंकृतसहस्ररूपम् तद्भार्तसारम् कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान ने तत्वार्थ साधम मोक्ष का मार्ग कहा है, कहां की ताकत लाए, ज्ञानम तुम के लिए बता, तुम्हारे पास ज्ञान गुण है कि नहीं, तुम ज्ञान गुण के मालिक हो कि नहीं। और आचार्य भगवान तारण तरण देव ने ऊपर की गाथाओं में जिन गुणों की बात करी है, जिन गुणों को कहा है, वो सारे गुण ऊपर जो कहे हैं सम्यक ज्ञान के सहकार से आचार्य गुरुमर तारण तरण देव ने
जितने भी गुण कहे ऊपर की कारिका में, वो सारे गुण कहाँ है? ज्ञान में है कि नहीं? आप खुद बताओ, आप इन गुणों को जान रहे हो वर्तमान में, चाहे चिन्मानी के निमित्त से जान रहे हो, जान तो ज्ञान से ही रहा, ज्ञान के अलावा इन गुणों को कोई जानने वाला है? ज्ञान के अलावा इन गुणों का वेदन करने वाला कोई है? ज्ञान ही तो गुणों का वेदन करता है, ज्ञान ही तो गुणों को जानता है ना, ज्ञान ही गुणों का वेदन करता है, ज्ञान ही गुणों को जानता है। तो हे भव्य आत्मा, हे जीव, क्या कह रहा है यहाँ तारण तरण देव गुरुमाचार्य? कह रहा है हे भव्य आत्मा, हे जीव, क्या क्या ज्ञानं गुणं मान सुनिर्लिप्तम्। कह रहा है ये जो ज्ञान गुणों की जो माला है निर्लिप्तम, ये सब विकार भाव से निर्लिप्त है। तू हीन दीन क्यों देखता है? तू ये क्यों देखता है कि वर्तमान में रक्त चल रहा है, मोह चल रहा है, हमारे भाव ऐसे चल रहे हैं, हमारी पर्याय स्त्री की है, हमारी पर्याय पुरुष की है, हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, हमारे संयोग पंचर है, हमारे भाव पंचर है, हमारी क्रिया पंचर है, तुझे पंचर ही पंचर लोग क्यों दिखाई दे? तुझे पंचर पंचर तुझे पंचर ही परिणमन क्यों दिखाई देता? आप तो पर्याय दृष्टि से देख रहा है, इसलिए सारे पंचर पंचर दिखाई दे रहे हैं। ये पंचरों का समूह जो दिखाई दे रहा है, ये पर्याय दृष्टि के कारण दिखाई दे रहा है। इस पंचर दृष्टि को छोड़ दो, पंचर वाले मत बनो। आपने एक संप्रदाय को देखा है जिनके बच्चे जन्म से ही पंचर वाले बन जाते, वो अपने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं, छोड़ देते रोड पे, पंचर जोड़ो कमाओ और खाओ। एक पंचर वालों के बच्चों को भी देखा, और एक अच्छे क्या बोलते हैं संस्कार बच्चों को भी देखा। तो आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर कलेक्टर बन रहा। एक पंचर वाले के भी है और एक आईपीएस और आईएएस के है कि नहीं? अपने अपने संस्कार है कि नहीं? पंचर वाले तो पंचर जैसे हैं, और जिनके घर में सदाचार सात्विकता है उनके वैसे है कि नहीं? अपन कौन है? पंचर वाले की ध्यान रखो, हमने बहुत खतरनाक उदाहरण लिया है, तो उनकी औलाद तो नहीं हो कहीं? यदि तुम जिनेन्द्र कुल में आके भी यदि रत्नात्रेय की उस गुण मालिका को, ज्ञान गुण की मालिका को, निर्मल गुण मालिका को यदि अपने अंदर नहीं देख पा रहा है, पंचर वाले हो, ये पर्याय के पंचर में फंस गए हो, और ये पंचर पर्याय के जाल में फंस के अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हो, अनंत तक करते रहो। पंचर वाले बनने से क्या फायदा है? अरे यदि उत्तम कुल मिला है, जिन कुल मिला है, वीतराग वाणी मिली है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का समागम मिला है, आत्म कल्याण करने की देशना मिली है, तो पंचर वालों का संग छोड़ो। किसका संग छोड़ो? पर किसका संग करना है? अंतर देखो, अंतर कि तुम्हारे ज्ञान गुण में जो गुरु महाराज ने कहे हैं कि ज्ञान गुणों की माला स्वयं निर्लिप्त है, सब विकार भाव से मुक्त है, इस ज्ञान गुण माला में कोई दोष नहीं है, जो अपने में छलक रही है, मति शुद्ध ज्ञान के वैभव में झूलती दिखाई दे रही है, वो ज्ञान गुण माला समस्त विकारों से, समस्त दोषों से रहित है। क्या
हमारे ज्ञान गुण की माला में निर्दोष है, निर्लिप्तपना है, लिखाओ स्वयं निर्लिप्त है। ज्ञान में जो अंतर प्रतीति में आ रही ना कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अनंत गुणों का स्वामी हूं, जो अनंत गुणों को झलका रही है, जो तत्व का स्वाभिमान प्रकट कर रही है, जो अपने ज्ञायक तत्व को स्वानुभूति के सहकार में प्रकट करा रही है, वो ज्ञान गुण की माला स्वयं समस्त भेद प्रभेद से निर्लिप्त है। ज्ञान गुण की माला समस्त प्रपंचों से निर्लिप्त है, समस्त पर्यायों से निर्लिप्त है। पर गुरु महाराज और कैसी है? अरे वो तो निर्लिप्त है, न्यारी है, अपने में शुद्ध है। अरे और क्या कहते उन्होंने, संक्षेप कुटितम तुम गुण अनंतम। क्या कह दिया? सुनो, संक्षेप में, सार में, गुतितम इस मालारोहण जी ग्रंथ में गूथ के, इस मालारोहण जी ग्रंथ में गूथ के, इन गाथाओं में गूथ के आचार्य भगवंत ने ये माला तुम गुण अनंतम, संक्षेप में ये ज्ञान गुण की अनंत चतुष्टय की माला को आचार्य भगवान ने भूत के हमें दे दिया है। हमसे भी कह रहे हैं कि संक्षेप में जो तुमने सुना है ना, आत्मा की बात जो तुमने सुनी है, ये अनंत गुणों में ही गुण अनंतम, अनंत गुणों में ही सत्ता है, जो ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, जो अभी तत्व स्वीकार हो रहा है, वो अनंत गुण में अपनी सत्ता है। तुम गुण अनंतम, ये तुम्हारे अनंत गुण है। संक्षेप गुतितम, अरे सार में इसको भूत लो भी, संक्षेप में स्वीकार कर लो। अर्थात अब शब्दों के माध्यम से जो तुम्हें स्वीकार हो रही है कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, इन शब्दों के माध्यम से जो तुम अभी अपने गुणों का परिचय प्राप्त कर रहे हो, अपनी स्वसत्ता के प्रकाश को, अपनी स्वसत्ता को जो अभी तुम इन शब्दों के जनवाणी के माध्यम से जो तुम ग्रहण कर रहे हो, भूत रहे हो, अपने ज्ञान के बल से, अपने दर्शन के बल से, अपनी श्रद्धान के बल से जो गुणों को तुम अभी भूत रहे हो, संक्षेप में इन्हें क्या लिखा? संक्षेप गुतितम, संक्षेप में इन्हें भूत लो। अच्छा समय है, तो साधु नहीं हो पाओगे, श्रावक हो जाओ। संक्षेप में सम्यक दर्शन की प्रकटता रूप इन गुणों को अपने अनुभव में भूत लो। ज्ञान के ज्ञान रूपी ये गुणमाला निर्मल है, इस ज्ञान माला में कोई दोष नहीं है, इस ज्ञान माला में कोई विकार नहीं है। गहन पुरुषार्थ से इसे अपने अंतर में सार रूप से गूंथ लो, स्वीकार कर लो इस मनुष्य भाव में कि मेरे अंतर में वो अनंत ज्ञान का प्रकाश है। इस ज्ञान गुण की माला को अपने हृदय में गूंथ लो। क्या कहा उन्होंने? अनंत गुणों की गुण माला को अपने अंतर में संक्षेप सार रूप जान के यही कल्याण का साधन है, ऐसा जान के इसे अपने अंतर में भूत लो। संक्षेप में कहिए गुरु महाराज ने, बहुत थोड़े में कह दी। शुद्धम देव देवम शुद्धात्मा, वो संक्षेप में कह दी, जिनवाणी में, श्रुत में, जिसे देवों का, जिसे देव भी अनुभव कर रहे हैं, अरहंत देव भी, सिद्ध देव भी अनुभव कर रहे हैं, देव वो तुम्हारा शुद्ध आत्म तत्व है। बहुत सार में कह दी, बहुत संक्षेप में दे दी, ज्ञान गुणों की रत्नत्रय की माला गुरु महाराज ने मात्र 32 गाथाओं में दे दी, संक्षेप में दे दी। गुथितम, गुथ लो। संक्षेप में उनने इस ग्रंथ में गूथ के दे दी। तुम इस ज्ञान में गुण मालिका को अपने पुरुषार्थ से अपने अंतर में ग्रहण कर लो। क्या कह रहा है? तुम गुण अनंतम, तुम स्वयं ऐसे अनंत गुण के धारी हो। अब तो मान लो तुम स्वयं इन अनंत गुणों के धारी हो, तुम्हें इन अनंत गुणों में से एक भी गुण की कमी नहीं है। तारण तरण देव ने अपने अनुभव से संक्षेप में 32 गाथा में प्रो के दे दी। तुम भैया स्वीकार कर लो कि ये अनंत गुण मेरे अंतर में है, ये अनंत सत्ता मेरे अंतर में है। उन्होंने अनुभव से प्रोई थी, तुम अनुभव से स्वीकार कर लो, श्रद्धा से स्वीकार कर लो। हो जाएगा कि नहीं हो पाए? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा।
जाएगा। तो गुरु महाराज ने बहुत थोड़े में संजोई थी, पुरुषार्थी थे, उनके पास अपना अनुभव था और उन्हें अपने अनुभव से इतने विशेष विशेष गुणों को थोड़े में समेट के दे दिया। माला रोहन जी जैसे इतने छोटे से ग्रंथ में उन्होंने पूरे अनंत चतुष्टय की माला को गूंथ दिया। कह दिया ये जो मैंने यहाँ कही ना, वो थोड़ी सी संक्षेप में गूंथी है, तुम गुण अनंत, तुम तो अनंत अनंत गुण के धारी हो, ज्ञान गुण की माला जो निर्मल है वो तो अनंत है। का करे हम रत्नात्रयम् लंकृत सारूपम्। अरे रे 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 सुनो तो क्या करे, तुम्हारा स्वयं का स्वरूप रत्नात्रयम् लंकृत, सम्यक दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से तुम्हारा स्वयं का स्वरूप अलंकृत है। कहीं मत जाओ, किसी से मत मांगो, किसी से मत पूछो। क्या कह रहा भैया, भीख मत मांगो सम्यक दर्शन की, कहीं कोई से मत पूछो कि हमें भाव की नहीं भाव। तो का करें स्वरूपम्, तुम्हारा स्वयं का शुद्ध स्वरूप स्वयं रत्नत्र से अलंकृत, तुम्हारी स्वयं की ध्रुव चेतना, तुम्हारा स्वयं का ध्रुव स्वभाव रत्नत्र से अलंकृत है। तुम स्वयं रत्नत्र से अलंकृत ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हो, रत्नत्र तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं, रत्नात्रेय तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं, तुम रत्नात्रेय से अलंकृत गायक आत्मा हो कि नहीं, रत्नात्रेय तुम्हें स्वचेतना स्वाभाविक चेतना है कि नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं ए बाप रत्नात्रयम् लंकृत सारूपम्। हाँ गुरु महाराज रत्नात्रेय में ये क्या करें, तत्वार्थ सारम्। अरे रुक जाओ, इस रत्नात्र से अलंकृत तुम्हारा स्वरूप है तो इसी को प्रयोजनी तत्व मानो, कि रत्नात्र ही मेरा प्रयोजनी तत्व है, सारम इसी की साधना करो, इसी की श्रद्धा करो, अपना पूरा जीवन इस रत्नात्र की साधना करने के लिए समर्पित कर दो। कथितम जिनेन्द्रम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कथन है, तुम इस रत्नत्र की साधना में अपना पूरा जीवन समर्पित। अब तो मान जाओ, अरे अब तो गुरुदेव साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रमाण देके बोल रहे हैं, कथितम जिनेन्द्र, जिनेन्द्र परमात्मा ने कही तुम रत्नत्र से अलंकृत हो, तुम्हारे अंतर में ही अनंत रत्नों का वैभव छुपा हुआ है। तत्वार्थ साधना, अब तो श्रद्धा करो कि प्रयोजनी सत्ता, हाँ ये प्रयोजनी स्वभाव, वो प्रयोजनी सत्ता, वो परम प्रकाश, वो दिव्य चेतना स्वयं मेरा ही स्वभाव, अब तो मानोगे कि नहीं, हाँ अब स्वीकार कर पाओगे कि नहीं, अब अनुभूति हो पाएगी कि नहीं, अब तो निर्णयोगे आत्मा, अब तो निर्णयोगे रत्नत्रय, अब तो निर्णयोगे कहीं बाहर में कछु मिल जाए, कछु मिल जाए, अब तो निर्णयोगे सुख मिल जाए कहीं, तो निर्णयोगे अभी भी ढूंढो तो बताओ, हाँ ढूंढोगे कि नहीं, नहीं ढूंढोगे ना, अब तो है ना भरा पूरा है, लबालब भरा पूरा है, कुछ कमी तो नहीं है। ये जीव द्रव अपने अनंत गुणों से जैसा का तैसा लबालब ठसा ठस
भरा हुआ, कोई कमी वमी तो नहीं रह गई, एक आध गुड़मुड़ कम डले हो तो है, एक आध कोई चुरा के मोरा तो नहीं ले गया, कोई चोर मोर तो नहीं लूट के ले गया, एक आध लूट के ले गया कोई, एक आध निकाल ला हो किसी ने इस जीव द्रव से, किसी ने एक आध गुण छिना बिना के ले गया हो, तो ऐसा तो अच्छा नहीं भाव, अच्छा नहीं भाव, कोई छीन ही नहीं सकता, मतलब सुरक्षित हो, संपूर्ण हो, कोई कमी कोई कमी नहीं है। अरे भगवान कैसी बात है, जब परिपूर्ण हो संपूर्ण हो तुम्हारे स्वद्रव में कोई कमी नहीं है, जब पूर्ण प्रकाश तुम्हारे अंदर में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व रूप वर्त रहा है, तो हे जीवात्मा कथितम चिरेन्द्रम, चिरेन्द्र देव कहते हैं रत्नात्रयम अलंकृत सस्वरूपम, कि तुम इस रत्नात्रय से अलंकृत शाश्वत शुद्ध चेतन सत्ता हो, तो क्या करे तत्वार्थ। अब इस तथ्य की श्रद्धा, अब अपने श्रद्धान में, अपनी मान्यता में, अपने हृदय में, अपने शुद्धात्म देव के अलावा और किसी को स्थान मत दो, ये जान लो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना ही प्रयोजनी है, इसके अलावा दुनिया में कोई प्रयोजनी नहीं है, एक ये तत्व ही प्रयोजनी है, बाकी पुत्र हो, परिवार हो, धन हो, दौलत हो, राग हो, देश हो, काम हो, भोग हो, कर्म है, प्रयोजनी नहीं। आप कह रहे नीचे ना देखो ऊपर देखो, ये कर्म है प्रयोजनी कौन, स्वामी जी कर्म है धर्म नहीं, हाँ कह रहा है कि संयोग पुत्र परिवार ये सब कर्म है धर्म नहीं है, तो धर्म क्या है, जब हमारे मन बहुत हो रहा है इसलिए हम चार गाथाओं का रिवीजन करके छोड़ रहे हैं, वो चार होगा कौन सी, वो रात बपन रात में ले रिवीजन, चलो रिवीजन अपन रात का करेंगे, हमारे पास प्रपोजल आ गया है और सुदीप भैया की बात हम टालने वाले नहीं है, हम गाथा नंबर 19 ले रहे हैं, रात में होगा चारों पांचों गाथाओं का रिवीजन, अद्भुत है ना, उछलो तो फिर वास आ जाए, जब आचार्य बदलना से, जब आचार्य गुरु महाराज ने इस तत्वार्थ की साधना को जिनेंद्र भगवान से प्रमाणित कहा, जब ऐसी देशना को राजा श्रेणी ने भगवान महावीर के समोषण में सुना, इस रत्नत्रय की गुण माला को, जब ज्ञान गुणों की माला को जब राजा श्रेणी ने भगवान के समोषण में सुना, ये छायक समय दर्शन होने के पहले की घटना, जब भगवान के समोषण में उस राजा श्रेणी के जीव ने इस अनंत गुणों की गुण मालिका को सुना, तो छायक सम्यक दर्शन हो जाता तो वीतराग सम्यक दर्शन होता, तो वीतराग सम्यक दर्शन होता तो उसको वो माला निरंतर प्रतीति में दिखाई देती, लेकिन मां चारित्र तो नहीं हो पा रहा था, अर्थात संयम की संयम पंचम गुण स्थान नहीं हो पा रहा था, उसकी चाहना हो सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन तो था, है ना, तो आदि माला तो उनके पास थी, आदि नहीं आ रही थी, तो यहाँ क्या बात चल रही है, जब राजा क्षणिक ने भगवान के समोषण में, अपन कितने कायर है, कितने प्रमादी है और कितने मूढ़ है, राजा क्षणिक की इस गाथा से पता लग जाए, आदि माला मतलब सम्यक दर्शन आदि है, सम्यक दर्शन के साथ छाई सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन आदि माला मिल गई, आधा मोक्ष मार्ग मिल गया और आधा रह गया चारित नहीं होगा, इसलिए हमने माला आदि नहीं होती, माला तो पूरी होती है, लेकिन कथन अपेक्षा से इच्छाएक सम्यक दर्शन तो हो गए, मोक्ष मार्ग तो बन गया, पक्का हो गया कि तीसरे भाव में मोक्ष जाना, शरीर आत्मा सब भिन्न भिन्न दिखाने लगे तो आधो मोक्ष मार्ग तो बन, इच्छाएक सम्यक दर्शन तो पूरे ही मोक्ष मार्ग होता है, आधा होता ही नहीं, लेकिन फिर भी चारित्र प्रकट नहीं हुआ, इस अपेक्षा से कमी रह गई, कमी जो रह गई ना 90% 99% काम बन गया, तो कर्मधारा रह गई, लेकिन वो जो रह गई ना उस अपेक्षा से अभी मात्र रह गया,
लेकिन मुझे लगता है जिज्ञासा छायिक सम्यक दर्शन पहले होने के पहले की है। क्यों? क्योंकि तो यदि ये जिज्ञासा छायिक सम्यक दर्शन होने के पहले की नहीं होती तो फिर वो ये प्रश्न नहीं करते कि किम दीप्त रत्नम बहुवी अनंतम, फिर वो ये प्रश्न नहीं आते। छायिक सम्यक दर्शन जैसे हो जाए उसके अंतर में जिज्ञासा नहीं, अच्छा पता है कि ये माला किसका है, ठीक है। तो अब जब छायिक सम्यक दर्शन होने के पहले राजेश के अंदर में तड़प हो गई, अरे आपने इतने, हे भगवान आप ऐसे गुणों की वर्षा कर रहे हैं, अपने सामने हुई कि नहीं हुई, एक नंबर के लिए से लिखे 18 नंबर तक की गाथा में अपने सामने गुणों की वर्षा हुई कि नहीं, लेकिन अपन कायर अपने अंदर जिज्ञासा नहीं है। और शेणिक महाराज छट तड़प बैठे, छटपटा गए, अंतर से उनकी परिणति बहिबल हो गई, अंतर से उनका मन एक उस माला को पाने के लिए इतना उत्कंठता को प्राप्त हो गया, इतना उत्कंठता को प्राप्त हो गया कि भगवान से कह बैठे, शांत नहीं रह पाए, उनके अंतर की जिज्ञासा दब नहीं पाई, उनके अंतर की परिणति रुक नहीं पाई और भगवान से कह बैठे। पढ़िए क्या कह बैठे, शैणिक महाराज बहुत भक्ति से बहुत बहुमान से भर गए, प्रक्षंति पूछने लगे भगवान वीरनाथ प्रभु से, महावीर भगवान श्रेष्ठ ज्ञान के धारी, केवल ज्ञान में सत्ता है जिनकी, जो इस युग के पुरुष है जिनका शासन काल है, उन महावीर भगवान से प्रच्छन्दी पूछने लगे राजा सैनिक। और कैसे पूछने लगे, बहुत भक्ति से बहुत बहुमान से पूछने लगे, माला श्रियम, श्रियम मतलब श्रेष्ठ, ये जो आपने श्रेष्ठ गुणों की चरित्र आदि गुणों की जो आपने माला कही है, मांगती मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, नह चक्रम प्रतीक्षणा देके, तीन प्रतीक्षणा देके, कभी भी परकम्मा दो, हाथ जोड़ के सर झुका के विनय से भगवान के समोषण में, अपन जन्माने की देते कि नहीं देते, मंगलाचरण पढ़ते हुए, चत्तारी मंगल पढ़ते हुए हाथ जोड़ के शीश नमन करके राजा क्षणिक मस्तक नवा के नह चक्रम परकम्मा देते हुए मांगने लगे, हे भगवान, हे भगवान, माला श्रियम, ये जो श्रेष्ठ गुणों की माला है, मांगती मुझे दे दो, मुझे दे दो। कौन मांगने लगे, अपन यहां बैठे बैठे इतने दिन से सुन रहे हैं, कोई ने मांगी, अरे छायिक सम्यक दर्शन मिल गया उन्हें, युग पुरुष है आने वाले, अरे देखो तो राजा सैनिक गहरी जिज्ञासा से श्रद्धा भक्ति से गुरु से गुरु ज्ञान देता, निमित्त गुरु के चरण में सब मिलता, ऐसा कहते हैं तीनों लोकों का सुख गुरु के चरण, क्योंकि गुरु को ज्ञान देता है जिससे आप उस परम अमृत को प्राप्त कर सकते हो, बिन गुरु ज्ञान कभी ना हो, ध्यान रखना, बिना सुने जो शानो होए गुरु की सेवा करे ना, यानी बिना इनके यदि हम ज्ञानी हो जाते तो आज तारण तरण की महिमा कौन गाता, बिना महावीर के, भगवान महावीर के बिना यदि मोक्ष मिलता तो महावीर के समोषण की महिमा कौन सा, बिना गुरु ज्ञान ना होता ही नहीं, परंपरा ही है, इसे तो गुरु परंपरा कहा जाता है जैन धर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या बात चल रही है, वो राजा क्षणिक परम गुरु परमात्मा के समोषण में मांग बैठे, भक्ति और बहुमान से उनकी प्रतीक्षणा देते हुए मांग बैठे, ये माला तो हमें चाहिए। और क्या कहते हैं कि प्रभु मैं क्या इतना कायर हूं, क्या इतना पामर हूं,
क्या इतना हीन हूं, क्या इतना दीन हूं, क्या मैं इतना अनाथ हूं, मैं कितना अनाथ, अपने ना भटको अनाथ दो कर कृष्णा दई, तो कहने लगे मैं अनाथ हूं, मैं इतना दीन हूं, मैं इतना हीन हूं कि मुझे ये माला नहीं मिलेगी, मुझे दे दो, मुझे चाहिए माला, ये रत्नत्रय की माला मुझे चाहिए। कहने लगे मैं इतना अनाथ हूं, इतना दीन हूं, अरे यहाँ तो कौन बड़े बड़े सम्राट बैठे हुए, मैं इनके सामने तुच्छ हूं, यहाँ तो चक्रवर्ती बैठा हुआ, मेरा राज इसके इन चक्रवर्तियों के सामने कुछ नहीं है, देखो क्या बैठे थे, कहले यहाँ तो धरेन्द्र बैठे हुए हैं, गुरु हे भगवान आपके समोसन में तो धरेन्द्र बैठे हुए हैं, आपके समोसन में तो स्वर्गों के इंद्र बैठे हुए हैं, मैं दीन हूं, मैं तो हीन हूं, मैं तो अनाथ हूं, जब तक अपने महलों में रहता था तब तक अपने सम्राट मानता था, लेकिन जिस दिन से आपके समोसन में आया हूं सारा मान चूर चूर हो गया है, जब से आपके समोसन में आया हूं मैंने धरेन्द्र को आपके चरणों में पड़ा हुआ देखा है, मैंने इंद्रों को आपके चरणों में पड़ा हुआ देखा है, मैंने गंधर्वों को जो अनेक विद्याओं के स्वामी होते हैं, उन गंधर्वों को जिनके पास अपार संपदा होती है उन्हें भी आपके चरणों में पड़ा हुआ देखा है, यक्ष जो यक्ष जाति के देव है वो भी आपके चरणों में पड़े हुए हैं, सारी दुनिया जिनके पीछे भाग रही है, ऐसी माया तो मैंने पहली बार देखी कि सो के सो इंद्र आपके चरणों के दास बन के पड़े हुए हैं, इसी माया तो मैंने पहली बार देखी, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनाथ हूं, ये तो मेरे आगे बड़े बड़े खड़े हुए हैं, ए गुरुदेव महाराज कहीं आप इन पे कृपा मत कर देना, ये माला मुझे दे देना, मैं पीछे हूं, मुझसे आगे बड़े बड़े खड़े हैं, कभी मांगी है इसी, कभी हुई है भावना, महाराज मेरे आगे तो जे खड़े हैं, जे इनके पास अपार संपदा के ना इंद्र, 40 नील पटरानिया, कहना चक्रवर्ती, कहना मेरे पास तो कितना सा कुटुंब कबीला, कहना 125 करोड़ नातेदार रिश्तेदार, 6 बैजारानिया 6 खंड का स्वामी, ए भगवान तुम्हारे चरणों में लोट लगा रहा है, मैं गरीब राजगृह नगरी छोटी सी नगरी का मालिक, मेरे पास तो फूटी कोड़ी नहीं, मैं तो इनको देख के अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा हूं, दीनहीन महसूस कर रहा हूं, इनकी संपदा के आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई हस्ती ही नहीं है, इनके सामने तो मैं तिनका भी नहीं हूं, इनके अपार वैभव मैंने सोधर में इंद्र के वाहन को बाहर देखा था, उसके वाहन का जो वैभव था, उस वाहन के एक पंखुड़ी के वैभव में तो मेरा पूरा राज बिक जाएगा, पूरा पार्ट बिक जाएगा, तो भी मैं उसका एक कण भी खरीद नहीं सकता, मेरा पूरा राज शासन भी खत्म हो जाए तो मैं उस ऐरावत हाथी के एक पंखड़ी, उसके ऊपर जो हजारों कमल है उसकी एक पंखड़ी के ऊपर जितना वैभव है उतने वैभव के लिए तो मेरा कुटुंब बिक जाएगा, 7 पीढ़ी बिक जाएंगी, तो भी मैं उस वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता, तो प्रभु आपके चरण में से सारे के सारे पड़े हुए हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं, जिज्ञासा मेरा नंबर आएगा कि नहीं, ऐसा राजा क्षणिक भक्ति से परीक्षण देते हुए क्या करने लगे वे क्षणिक राजा धरेन्द्र इंद्र गंधर्व नरनाहि चक्रम विद्याधरे, वो कहने लगे ये नरनाहि अनेक अनेक नगरों के राजा, नरों में उत्तम, नरों के नायक चक्रवर्ती और अनेक अनेक विद्याओं के धारी विद्याधर यहाँ आपके समोषण में मस्तक नवाए बैठे हुए हैं, मन कहीं इन्हें मत देखने लगना, कहीं इन्हें मत दे देना, भगवती माला मुझे दे देना, मुझे चाहिए, कहो भगवान कहो कहो क्या ऐसा नहीं, भक्ति की शक्ति ऐसा नहीं, भक्ति की भाषा ऐसा नहीं कह सकते, भक्ति की भाषा में भीख नहीं मांग रहे, भक्ति की भाषा में यहाँ भीख नहीं मांगी जा रही, भक्ति की भाषा में बहुमान किया जा रहा,
निमित्त हम इसलिए कहते हैं, निमित्त निमित्त कर्ता नहीं है लेकिन निमित्त उपेक्षा करने योग। भक्ति की भाषा कहती है भगवान आपका समर्थन नहीं होता, आपका उपदेश नहीं होता, ये माला। भक्ति की भाषा ऐसा, समर्पण ऐसा कहता है, जो मान टूट गया ना अहंकार कि मेरे पुत्र मेरा राज शासन, मैं इतना मानता राजा श्रेणी को कि मैं राजगृह नगरी का मालिक, इतने राजा मेरे अधीन, वो अभिमान टूट के नीचे गिर गया। भक्ति की भाषा कहने लगी भक्ति बहुमान से, भगवान राजा श्रेणी इस मान सहित रथ पे आरूढ़ हुए जा रहे थे कि मैं चक्रवर्ती मैं महाराज मैं राजा जा रहा हूँ, वहां समोसर में मेरा बहुत सम्मान होगा, वहां मेरे वैभव को, हम मेरे साथ जो लोग जा रहे हैं, मेरे साथ हाथी घोड़े जा रहे हैं, इसको देख के लोग आश्चर्य करेंगे। लेकिन जैसे ही समोसरण की सीढ़ी पे पैर रखा, समोसरण की आवाज बाहर से देखी, तो ही दीनता हीनता प्रारंभ हो गई, तो ही दीन ही होने लगे, अरे रे 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 मैं क्या मान कर रहा था, और नीचे से ऊपर तक सात पृथ्वियों का वैभव देखा तो पछतावे से भर गए, और मान स्तंभ की आभा जैसे ही देखी, चक्रवर्ती और इंद्रों के रत्न जिस मान स्तंभ में भरे पड़े थे, जैसे ही मान स्तंभ की आभा देखी तो मान टूट के चूर चूर हो गया, नतमस्तक हो गए, समर्पित हो गए, पिच गए भगवान के सामने। ऐसे ही अपन भी गुरु महाराज के दरबार में आए, करोड़पति अरबपति बन के ना आए, चप्पल जूते मंदिर के सामने फेंक के ना आए, रे तारण तरण देव के दरबार में प्रवेश कर, फिर देखो बिछा के भावनाओं को उज्जवल करके, भक्ति को समर्पित करके, सब कुछ अर्पण करके, निश्चय 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 भगवान तुम्हारे द्वार में आने के पहले सारे अहंकार का, सारे राग का, सारी कसाय का त्याग, कुछ भी लेके नहीं आया तेरे पास, खाली होके आए। भैया अभी जिज्ञासा जाग चुकी है, राजा क्षणिक माला मांग चुके हैं, अब रात में किसको मिलेगी हमें पता नहीं। बोले गुरु महाराज जय नमोस्तु।